आजाद अध्यापक संघ के जिलाध्यक्ष सहित तहसील अध्यक्ष के नेतृत्व में तहसीलदार नरेश शर्मा को अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम दिया गया, जिसमें सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापक शिक्षक संवर्ग को भी अन्य शिक्षक संवर्ग की भांति पुरानी पेंशन लागू की जाए, 12 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके अध्यापक शिक्षक संवर्ग के क्रमोन्नति के आदेश जारी किए जाएं, अध्यापक संवर्ग को भी केंद्र के कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता का लाभ दिया जाए, गुरुजियों की नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता का लाभ दिया जाए, राज्य शिक्षा सेवा से वंचित अध्यापकों का शीघ्र शिक्षक संवर्ग में संविलियन किया जाए, विगत वर्षों में दिवंगत अध्यापक शिक्षक संवर्ग के आश्रित परिवार के सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए, आदिम जाति कल्याण विभाग में कार्यरत अध्यापक शिक्षक संवर्ग को 7वें वेतनमान का लंबित एरियर्स राशि का भुगतान किया जाए, स्कूल शिक्षा विभाग उच्च पदों की योग्यता के अनुसार पदोन्नति की जाए। ज्ञापन देने वालों में जिला अध्यक्ष संग्राम सिंह तोमर, तहसील अध्यक्ष सहित आधा सैकड़ा आजाद अध्यापक शिक्षा संघ संगठन के लोग मौजूद रहे एवं शिक्षकों ने नारेबाजी कर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। संग्राम सिंह तोमर, जिलाध्यक्ष आयात अध्यापक शिक्षक संघ मुरैना। आज आयात अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के प्रांतीय आह्वान पर अध्यापक संवर्ग की निम्नांकित मांगों के बारे में तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया गया। इसमें मुख्य रूप से अध्यापक शिक्षक संवर्ग को अन्य कर्मचारियों की भांति पुरानी पेंशन बहाल की जाए, 12 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके अध्यापक शिक्षक संवर्ग को क्रमोन्नति का लाभ दिया जाए। टाइम एज के लिए मध्य प्रदेश के पोरसा से धर्मवीर पचौरी की रिपोर्ट।